So good afternoon to all of you, and thank you very much by Punjab National Urban Livelihood Mission, Pranishas, and fellow colleagues Kalwar ji, Dalvik ji, and Mr. Dutt ji. So this is all about Chandigarh Street Vending Plan. We'll have a brief presentation, and keeping in mind the lunch time, which is already crossed. So just to describe the background, Act, aapko pata hai, 2015 mein humne scheme notify kiya, and स्कीम के बाद हमने जो रूल्स जो हैं हमारे यूटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं और रिसेंटली जो बायलॉज हमने नोटिफाई किए 2018 में जो सिटी के बायलॉज हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चंडीगढ़ में इसको एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ टीवीसी हमारी करीब 19 टीवीसी रेगुलर हो रही हैं और बहुत अच्छे डिसीजन चंडीगढ़ में लिए जा रहे हैं ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रीट वेंडर्स के इशूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं टीवीसी में वो ऐसे मुद्दे जो शायद कई बार सोचे नहीं जा सकते डेथ केसेस हैं नॉमेनक्लेचर चेंज है ट्रेड चेंज है तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इनको हम टीवीसी में लेके जाते हैं और उनका अच्छा डिसीजन भी निकल जाता है जैसे सर ने बताया चंडीगढ़ स्ट्रीट वेंडर सर्वे वॉज अ थर्ड पार्टी सर्वे विच वॉज बायोमेट्रिक जीआईएस बेस्ड एंड एमआईएस बेस्ड एंड दिस इज जस्ट अ सिनेरियो ड्यूरिंग द सर्वे इन 2016 वी हैव डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच दिस इज समथिंग डिफरेंट लाइक वी हैव एग्जिस्टिंग which is called as enforcement wing of the municipal corporation, which actually enforces the, you know, municipal act, jo provisions hai encroachment ke unko enforce karte hain, wahi street vendors ka maximum jo kaam hai wo enforcement wing ka hai, jo kehte hain ki hume exploit kiya gaya hai, hamare upar raid ki gayi hai, saman seize kiya gaya hai, to enforcement wing ka aur jo vendor cell recent jo banayi gayi hai 2015 mein, uska apne integration karne ki approach hai, jisme humne ek third vendor aur act kiya hua hai, which is e-sampark, agar aap log Chandigarh mein shayad kuch log rehte honge, दे मस्ट बी नोइंग ई संपर्क सेंटर तो हमने ई संपर्क इन्फोर्समेंट और जो स्ट्रीट वेंडर सेल न्यूली फॉर्म्ड अंडर द एक्ट हमने उसका इंटीग्रेशन किया और उसमें जो है आने वाले टाइम में जैसे उसको रिफर कर रहे थे कि जो स्मार्ट कार्ड हैं वो जैसे चंडीगढ़ का ड्राइविंग लाइसेंस है सिमिलर स्पेसिफिकेशन को मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है उसमें स्मार्ट फीचर्स लेके आए हैं जैसे कि हम एमआईएस पे जो भी डाटा अपलोड करते हैं जो डाटा कैप्चर करते हैं वो इन्फोर्समेंट को भी पता लगना चाहिए साइमल्टेनियसली So we have the option of having login ID with the MIS portal for enforcement also. जो भी हम अपलोड कर रहे हैं किसी का पी आ रहा है नहीं आ रहा है दे कैन व्यू इन्फोर्समेंट कैन व्यू एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली इन द एरियाज दिस इज कंटेंट बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड पोर्टल आया हुआ है जिसमें हमने ऑप्शन दिया है जो चाहते हैं दे वॉन्ट टू नो वेदर आई एम सर्वेड और नॉट कई बार क्या होता है 21,000 की सर्वे की जो आइडेंटिफिकेशन चंडीगढ़ में हुई है 24,000 की उसमें डी डुप्लीकेशन हुआ लोगों को पता है कि मेरा बायोमेट्रिक्स कैप्चर हुआ है फोटो कैप्चर हुआ है लेकिन उनको पता नहीं है कि वेदर आई एम अंडर द सर्वे और नॉट तो हमने एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कोई भी आदमी अपना पर्टिकुलर बेसिक पर्टिकुलर डालेगा वो आधार कार्ड उससे उसको पता लग जाएगा वो क्या रहा है दे गो थ्रू यू नो सर्टेन अदर चैनल उससे पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा लाइसेंस है कि नहीं है यूनियंस के थ्रू जाते हैं जहाँ पे वो एक्सप्लॉइटेड होते हैं तो इसलिए हमने ऑप्शन दिया है कि दे कैन ऑन देयर ओन चेक और ये बाइलिंगुअल पोर्टल वेंडिंग फी कैलकुलेटर रखा हुआ है दे कैन कैलकुलेट द वेंडिंग फी ऑल्सो कि उनके महीने की कौन से एरिया में कितनी फीस बनती है उसमें डिफॉल्टर्स चेक कर सकते हैं उसमें डैशबोर्ड दिया है बहुत सारे इंडिकेटर्स तो जिसमें गवर्नमेंट के लिए हमारे सेक्रेटरी जो है दे कैन सी द डैशबोर्ड कितने रजिस्टर्ड हैं किस किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं कितना पर डे का कलेक्शन आ रहा है कितना मंथली कलेक्शन है डिफॉल्ट स्टेटस क्या है इस तरह के फीचर्स हम लेके आए हैं जो वेंडर क्लासिफिकेशन है दिस इज समथिंग लिटिल डिफरेंट इन चंडीगढ़ अदरवाइज वी हैव फॉलोड द सेम क्राइटेरिया इन द एक्ट विच इज गिवन बट वी हैव गिवन अ सब बाइफर्केशन इन द स्टेशनरी वेंडर वी हैव डिवाइडेड स्टेशनरी इनटू टू सबसेट वन इज एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर एंड द अदर वन इज नॉन एसेंशियल एसेंशियल्स वी हैव गिवन अ थॉट टू टीवीसी दैट जो लाइक साइकिल में हवा भर रहा है आपका जो चाय बना रहा है दूध देने वाला है इवन जो आपके प्रेस करने वाले हैं ऐसे छः करीब वेंडर हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी कम्युनिटी में सर्विस जरूरी है और उसके बगैर कम्युनिटी सर्वाइव करना मुश्किल होता है तो हमने उनको ईएसपी में दिया उनका सबसे लोएस्ट जो टैरिफ है उनका सबसे लोएस्ट है और इनको हम अप्रूव नहीं कर रहे कहीं भी जहाँ पर भी हैं वो वहीं पर रहेंगे अनलेस जब तक कि वो मोबिलिटी डिस्टर्ब नहीं करते या फिर थ्रेट नहीं है किसी के लिए जैसे ट्रांसफार्मर के नीचे बैठे हुए हैं कोई और लोकेशन है तो जब तक हम उनको नहीं हटाएंगे दूसरा मोबाइल कैटेगरी विच इज़ अ पॉपुलर वेंडर और ये भी हम इनको स्पेस नहीं देने वाले दे आर मूविंग इन द नेचर बट हमने इसमें वार्ड की सीलिंग कर दी है कि वार्ड की एक पर्टिकुलर वार्ड में वो रहेंगे और उसके अंदर मूव करके काम कर सकते हैं नॉन एसेंशियल स्ट्रीट वेंडर्स अगर आप सुनते हो अखबार में पढ़ रहे हो देखा हुआ चंडीगढ़ 17 में
which is actually major first area to be addressed on. और इन्हीं के लिए हमने वेंडिंग साइट्स प्रपोज किए हैं और सैंक्शन भी होके आई है करीब 46 जून पे चंडीगढ़ में, और इनका करीब 3,271 वेंडर्स का हमने साइट एलोकेशन भी कर दिया थ्रू ड्रॉप लॉट। एक क्वेश्चन आएगा कि वेंडिंग फी कैसे हमने तय किया। हमने टीवीसी में इसको लेके गए और टीवीसी में हमने एक एक्सरसाइज किया मेंबर्स के साथ में, हमने पूरे सिटी को 3 जोन में डिवाइड किया, ए बी एंड सी, एंड ए जोन इज विद द हाई कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे आप 22, 35, इवन 35 सेक्टर जिसमें आप बैठे हैं, 35, 22, 19, मनी माजरा, 17, ये हमने कुछ हाई जोन रखे जिसमें कि लोगों की इनकम अच्छी है, चांसेस फॉर सेलिंग एंड वो उनकी इनकम के लिए अच्छा है। दूसरा बी एरिया रखा एलीट एरिया, जैसे सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, से सपोज सेक्टर 16 इज देयर, आपके सेक्टर 18 हो सकता है, तो ऐसे सेक्टर्स का हमने आइडेंटिफिकेशन किया 1-to-1 एरिया वाइज, उनको हमने बी में किया, उसमें थोड़ा उनका स्लैब नीचे रखा हुआ है, एंड अगेन सी जोन विच इज़ विद द इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कॉलोनीज, एंड जो स्लम्स हैं या कॉलोनीज हैं या यूटी के विलेजेस हैं उनको हमने इसमें रखा हुआ है। आई टोल्ड यू अर्लियर 24,000 सर्वे थे, 21,622 आइडेंटिफाइड हुए, लेटर 36% का वेरिएशन भी निकला हमने जब चेक किया वैलिडेशन में, और करीब 9,356 को हमने रजिस्टर किया है जिनका प्रोसेस फॉर आईडी कार्ड्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इज अंडर प्रोसेस। और ये एक हमने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ था ए बी सी का, वो ये है मैक्सिमम फीस हमारे यहाँ 2,000 पर मंथ है एंड मिनिमम फीस हमारे यहाँ 300 रुपीज़ पर मंथ है। और कन्वर्जेंस इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस का, ई संपर्क के साथ हमने लिया हुआ है, और ई संपर्क एंड वोल्डर पोर्टल हमने 2018 फर्स्ट अप्रैल को लॉन्च किया है, उससे पहले का सारा फी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी विंडो पे कलेक्ट किया है। फर्स्ट अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विंडो पे, कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में जितने भी ई संपर्क और ई केंद्र हैं वहाँ पर वो सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक का फी डिपॉजिट कर सकते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, उनका वेंडिंग आवर्स भी नहीं खराब होता है, प्लस उनका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है जैसे कि ई संपर्क पे आप बिल जमा करते हैं तो आपसे एक ट्रांजेक्शन चार्ज भी लेते हैं, वो ट्रांजेक्शन चार्ज 10 रुपीज़ का है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे करती है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वो हमने फ्री रखा हुआ है। पहले 2000 कैश ट्रांजेक्शन ई संपर्क पे कर सकते थे, उसकी लिमिट घटा के 1,000 कर दी जस्ट टू प्रमोट डिजिटल इंडिया, और कार्ड्स का यूज़ करें, रुपए कार्ड्स यूज़ करें इसलिए। और इसमें जो मेन एक और जो रेवेन्यू जनरेशन थोड़ा सा मैंने पुराना लिखा है, अभी तक की डेट में 19 करोड़ का रेवेन्यू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को स्ट्रीट वेंडर से आ चुका है, विच इज़ अ लैंडमार्क अचीवमेंट, और एक हमारा रेवेन्यू सिस्टम भी स्ट्रेंथन होगा। आज तक जो लोग पे नहीं कर रहे थे वो अब पे करने लगे, और जो इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं ना, वर्ल्ड का जो 92% और अप्रॉक्सीमेट विच अकाउंट फॉर द इनफॉर्मल इकॉनमी, एंड दिस इज द बेस्ट वे, एंड स्ट्रीट वेंडिंग को जो है फॉर्मल सेक्टर में लाना एक बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और म्यूनसिपैलिटीज के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उनके लिए रेवेन्यू स्ट्रेंथनिंग हो सकती है इससे। एंड दिस इज ऑल अबाउट, एंड ड्रॉप लॉट्स में बता चुका हूँ, दिस वॉज द प्रोसेस, इट वॉज एन ओपन फोरम, एंड स्ट्रीट वेंडर्स ने खुद अपनी पर्चियाँ निकाली हैं, एंड कुछ थोड़े से फीचर्स भी बता देता हूँ। 25% डिस्काउंट वी हैव गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन एंड वुमेन स्ट्रीट वेंडर्स इन द मंथली स्ट्रीट वेंडर्स फी, 5%, 10% and 15% रिस्पेक्टिवली डिस्काउंट्स हमने प्रॉपर किए हैं जो एडवांस में फी डिपॉजिट करते हैं एमसी को, 40% डिस्काउंट टू एचआईवी पॉजिटिव भी हमने दिया हुआ है, एंड ई संपर्क के मीन से हम दे रहे हैं 5% एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमें के अकॉर्डिंग हम इसको फीस भी बढ़ाते हैं, साल के बाद 5% कंपाउंडेड एनुअल इंक्रीज देती है। एलपीजी कनेक्शन का प्रोविजन हमने दिया, इस पर काफ़ी डिस्कशन रहा कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट का डिस्कस किया, बट 5 kg का प्रोविजन दिया जिससे कि केरोसिन यूज़ नहीं हो, डीजल यूज़ नहीं हो, लकड़ी नहीं यूज़ हो। एंड कुछ हमने इसमें डिस्पीशन रखा है टीबीसी के लेवल पे, अगर उनको लगता है वो कुछ कैटेगरी जैसे एचआईवी पॉजिटिव हैं, पीडब्ल्यूडीज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, इनको जो है कॉम्पेंसेटेड राउंड पे स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस भी दिया जा सकता है। एंड फूड वेंडर्स के लिए हमने एफएसएसआई नॉर्म्स को मैंडेटरी किया हुआ है, एंड दिस इज ऑल, एंड वी हैव साइन 2 major MOUs विद स्ट्रिक्ट फॉर ई संपर्क बेस्ड यू नो इनिशिएटिव, एंड सेकेंड इज द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई, एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो स्मार्ट कार्ड के बता रहा था, आपके लाइसेंसेज जो हैं वही स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस हैं उसी तरह का, जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है उसको आप फाड़ नहीं सकते, किसी ऑयल में ख़राब नहीं होगा, पानी से उसकी इंक नहीं जाएगी, प्लीज़ स्मार्ट फीचर्स लेके आए, और ये जिस तरह से ट्रैफिक चलान कटता है उसी तरह से हमने इन्फोर्समेंट विंग को इस तरह की डिवाइसेज देने का प्रावधान किया है। दिस इज अ सिंपल सर्टिफिकेट, एंड हमने कैपेसिटी बिल्डिंग सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट पे किया हुआ है, जैसे चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, एमसीएम डीएमबी है चंडीगढ़ के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में, उनको हम लेके गए स्ट्रीट वेंडर्स को, करीब 600 वेंडर्स का पायलट प्रोजेक्ट साल का हमने तय किया है, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी हमने मास्टर ट्रेनर बनाया हुआ, ये इज़ पवन, एंड ही इज़ अगेन, बिकॉज हम उनको पढ़ाएंगे तो उनको समझ में नहीं आता,
बट जो सीट मेंबर्स चेंज हो चुके हैं, माइंडसेट चेंज किया है, वो अगर उनको बताते हैं अपने फेलो मेंबर्स को, देन दे फॉलो. एंड टू कार्ड्स हमने मॉडल कार्ड्स जो हैं लॉन्च की हैं. के यादव सर हैं आपके यहाँ इस पंजाब में रहे हुए हैं, और एक हमने ये लॉन्च किया है. दूसरा एक और कार्ड लॉन्च किया टू मेंबर्स के. अब इसको हम स्मार्ट सिटी में रोपिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का कोई एक मैकेनिज्म बने जिसमें कि इनकी कॉस्ट जो है या तो टू माइक्रो क्रेडिट आ जाए, या शेयरिंग कॉस्ट भी आ जाए, या रेंटल कॉस्ट पे. तो अभी तीसरी कार्ड और आने वाली है, उसके बाद हम इसको तय कर पाएंगे कि हम किस वे में जाएंगे. या तो स्ट्रीट वेंडर्स खुद वो कॉमन चीज़ें या उसमें सिमिलैरिटी नहीं दे सकता है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेज आएंगे. तो या तो हम स्मार्ट सिटी में टेंडर करके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके आएंगे इसमें कि उसको बनाए और स्ट्रीट वेंडर्स को रेंटल वे में या वन टाइम अंडर लोन इसको दिया जाए. तो दिस इज ऑल. एंड ये ई संपर्क का पोर्टल है, इसको भी टाइम नहीं, अदरवाइज मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखाता किस तरह से हम कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. इवन अभी जैसे सर कह रहे थे, सर से बात हो रही थी, ये बहुत डायनेमिक एरिया है. आप कुछ नया करेंगे, रिस्क होता है काम करने में, क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी आएगा. बट आप काम करते जाइए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, करते जाइए नई चीज़ें आएंगी. और अभी जैसे हम कहेंगे जो कमी, जैसे 12 करोड़ का इवन हमने मंथली भी अनाउंस कर दिया है, 19 करोड़ ले चुके हैं बट 12 करोड़ पेंडिंग हो चुका है. तो आप कह नहीं सकते कि आज आप कुछ करेंगे कल नई चीज़ें आएंगी. तो बेटर बी विद दिस. एंड एक बेस्ट वे है गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने का, म्यूनसिपलिटी को स्ट्रेंथन करने का. एक न्यूज़ ने इसको पब्लिश किया था, शहरवासी जितना हाउस टेस्ट देंगे उससे ज़्यादा कमाई 9000 वेंडरों से हो सकती है. तो दिस इज ऑल. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. It might prove